गारंटी का क्या हुआ, क्योंकि ये गारंटी नहीं ये जुमला था। और ऐसे ही जुमले लगातार बोले जा रहे हैं। आज सरकार कहती है बेरोजगारी है ही नहीं, जिस इन्फ्लेशन के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार। जुमला था 15 लाख बैंक अकाउंट में लाने का। बड़े बड़े स्विंडलर्स, बड़े बड़े वो लोग आप पर चूना लगाकर आपकी नाक के नीचे देश छोड़ के भाग गए। पिछले 10 साल में एक फ्यूजिटिव को सरकार वापस नहीं ले पाई। तमाम ऐसे लोग जो देश छोड़कर मोदी सरकार की नाक के नीचे भाग गए, ये जुमला आता रहा कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, भगा उनको दिया गया, चपत आपकी लग रही है। और मैं खुली चुनौती के रूप में कहती हूँ, अपने बनाए हुए मानक पर, अपनी डेटा रीजिगिंग पर हमारे और अपने 10 वर्ष के आंकड़े एक साथ रख दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जनता को निर्णय करने दीजिए। लेकिन ऐसा करने की ना हिम्मत है और ना हैसियत है सरकार में। 10 साल सत्ता में रहने के बाद जब चुनाव के मुहाने पर आज सरकार खड़ी है, तो सरकार पिछली सरकार का लेखा जोखा दे रही है। अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की ना हैसियत है ना हिम्मत है। तो झूठ बोलना एक कला है, लेकिन आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो जिस चार्ट का मैंने यहां पर प्रोडक्शन किया, जो हम आपके साथ साझा करेंगे, ऐसी एक चार्ट सरकार जरूर बनाए। पिछले 4-5 दिन से अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े जोर शोर से चर्चा है। सरकार सीना ठोक के कुछ बातें कह रही है, हमने भी कुछ बातें कही है, लेकिन असलियत यह है कि अर्थव्यवस्था पर दो मत हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आंका आंकड़ों से जाता है और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार ने एक फर्जी व्हाइट पेपर लाने का काम किया, और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद मोदी जी के पास अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, वो 10 साल पहले की सरकार के 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर आए हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद जब चुनाव के मुहाने पर आज सरकार खड़ी है, तो सरकार पिछली सरकार का लेखा जोखा दे रही है। अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की ना हैसियत है ना हिम्मत है। और मैं कुछ भी कहने से पहले इस मंच से एक बात खुली चुनौती के रूप में कहती हूं, अपने बनाए हुए मानक पर, अपनी डेटा रीजिगिंग पर हमारे और अपने 10 वर्ष के आंकड़े एक साथ रख दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जनता को निर्णय करने दीजिए। लेकिन ऐसा करने की ना हिम्मत है और ना हैसियत है सरकार में। वो जुमले पढ़ देती हूं जिसका नाम अब सरकार नहीं लेती है, क्योंकि गारंटी की नई बात होने लगी है। जो गारंटी 14 के पहले दी गई थी उसका क्या हुआ, वो जुमले निकले, 2 करोड़ सालाना रोजगार, 15 लाख सबके अकाउंट में, सारा काला धन 100 दिन में वापस आएगा, पेट्रोल और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर पे मिलेगा, फार्मर इनकम डबल होगी 2022 तक, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी 2022 तक, हर सर पे छत होगी 2022 तक, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी 2022 तक। इस गारंटी का क्या हुआ, क्योंकि ये गारंटी नहीं ये जुमला था। और ऐसे ही जुमले लगातार बोले जा रहे हैं। आज सरकार कहती है बेरोजगारी है ही नहीं। आईटी कंपनीज ने 2,60,000 नौकरियां 2023 में घटा दी, क्योंकि निवेश और उपभोग दोनों नहीं हो रहा है। जुमला था 15 लाख बैंक अकाउंट में लाने का। बड़े बड़े स्विंडलर्स, बड़े बड़े वो लोग आप पर चूना लगाकर आपकी नाक के नीचे देश छोड़ के भाग गए। पिछले 10 साल में एक फ्यूजिटिव को सरकार वापस नहीं ले पाई, चाहे वो मोदी जी के मेहुल भाई हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे संदेसारा हो, चाहे रितेश जैन हो, तमाम ऐसे लोग जो देश छोड़कर मोदी सरकार की नाक के नीचे भाग गए। ये जुमला आता रहा कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, भगा उनको दिया गया, चपत आपकी लग रही है। फार्मर इनकम डबल करनी थी, 27 रुपए कमा रहा है आज का एवरेज फार्मर। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया। दोनों सदनों में मैंने सुना बड़ी निर्लज्जता से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसकी बात कर रहे हैं। किसने इसकी पुष्टि की है? नीति आयोग ने,
मानक बदलकर, क्या यूएनडीपी ने इसकी पुष्टि की है, क्या वर्ल्ड बैंक ने इसकी पुष्टि की है, क्या आईएमएफ ने इसकी पुष्टि की? और अगर यह सच है तो उपभोग क्यों कम है? अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला गया तो 80 करोड़ को फ्री का राशन क्यों देना पड़ रहा है? अगर 25 करोड़ को निकाला गया तो माल न्यूट्रिशन क्यों है? हम 111वां स्थान पर क्यों है भुखमरी के इंडेक्स में? ये बातें सरकार नहीं बताएगी। सरकार कहेगी हमने 11 करोड़ 80 लाख फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान दिया। असलियत यह है कि उनकी संख्या घटकर 8 करोड़ हो गई। और एक असलियत यह भी है कि किसान से आपने जीएसटी लगाया उसकी खाद पर, उसकी दवाई पर, उसके कृषि के उपक्रम पर, डीजल उसको महंगा दिया। 28 लाख करोड़ की वसूली आपने सिर्फ किसान से करी। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, बड़ी बड़ी बातें, आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, ट्रिपल आईटीज बनाए, वेकेंट पोजीशन आईआईटीज में 9600 के ऊपर है, ट्रिपल आईटीज में 1000 के ऊपर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 22000 के ऊपर है। पीएम मुद्रा से बहुत पैसा दिया गया। असलियत यह है एवरेज लोन साइज 25000 का था। 25000 आप में से जिसको चाहिए उसको देते हैं। एक धंधा शुरू कर एक बिजनेस शुरू करके दिखाइए, कोई नहीं कर सकता है। और अंत में जिस जीएसटी के नाम पे बहुत कूद फांद हुई, 50% इस देश की सबसे गरीब आबादी 64% जीएसटी अदा कर रही है और सरकार वसूली करके अपनी पीठ ठोक रही है। जिस इन्फ्लेशन के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, असलियत यह है कि फूड इन्फ्लेशन 9% के आसपास लगातार बना हुआ है। और एक साल भी पिछले 5 वर्षों में जो इन्फ्लेशन का लेवल है 4%, वो अचीव नहीं हुआ है। लगातार 6% के आसपास इन्फ्लेशन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी डिटेल में मैंने इस पर बात करी है, क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा सरकार का खोलना जरूरी था। खोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि सरकार अगर अपने ही दिए हुए मानकों से, अपने ही दिए हुए आंकड़ों से कंपैरिजन करे तो वो पाएगी कि हर मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के सरकार पूरी तरह से विफल है। चाहे वो निवेश हो, उपभोग हो, ग्रोथ हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कर्ज हो, रुपया हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, ऐसा कोई भी मानक नहीं है जिसमें इस सरकार ने, मोदी सरकार ने यूपीए से बेटर परफॉर्म किया हो। तो झूठ बोलना एक कला है, लेकिन आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और ये सरकारी आंकड़े, मैंने एक भी आंकड़ा अपना नहीं कोट किया है, एक भी प्राइवेट आंकड़ा नहीं कोट किया है, ये सारे सरकारी आंकड़े हैं, ये बजट के आंकड़े हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज के आंकड़े हैं। और अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो जिस चार्ट का मैंने यहां पर प्रोडक्शन किया, जो हम आपके साथ साझा करेंगे, ऐसी एक चार्ट सरकार जरूर बनाए और लोगों के सामने लाए। इस देश को निर्धारित करने दीजिए कि हो क्या रहा है।